ग्वालियर से एक और बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो अपने तमाम अदाओं के कारण चर्चाओं में बने रहते हैं, वो चुनाव जीत गए हैं और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील शर्मा को चुनाव हराया है। उपचुनाव में भी इन दोनों के बीच में मुकाबला था और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सुनील शर्मा को शिकस्त दी थी। इस बार कांग्रेस ने सुनील शर्मा को टिकट देकर गलती की। हालांकि इस सीट पर एक और नाम था कांग्रेस के पास, सौरभ सिंह तोमर। अगर सौरभ सिंह तोमर चुनाव लड़ते तो यकीनन प्रद्युम्न सिंह तोमर को कड़ी टक्कर मिलती, लेकिन ये मुकाबला एक तरफा था। प्रद्युम्न सिंह की जीत तय थी, प्रद्युम्न सिंह को लोग पसंद करते हैं, उस इलाके में प्रद्युम्न सिंह ने काम किया है और प्रद्युम्न को मैं लगभग 30 वर्षों से जानता हूँ। उनकी जो अदाएं हैं वो लोगों को बड़ी भाती हैं। कभी वो खुद खंभे पे चढ़ जाते हैं, कभी टॉयलेट साफ करने लगते हैं, तो लोगों के बीच में वो काफी लोकप्रिय हैं। उनको हरा पाना सुनील शर्मा की बस की बात नहीं थी। ये दूसरी बार ऐसा हुआ और कांग्रेस ने टिकट बांटते समय चूक कर दी, और ठीक ठाक टिकट बांटती तो हो सकता है मुकाबला ग्वालियर का थोड़ा सा रोचक हो जाता। प्रद्युम्न सिंह जो है वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के शिष्य हैं और महल से जुड़कर राजनीति करते हैं। उन्हीं के साथ सिंधिया के साथ ही ये बीजेपी में आए और अब बीजेपी के होके रह गए। उनका कहना है कि मैं सदैव बीजेपी में रहूंगा। अब वो जीत भी गए, अब देखना है कि वो किस तरह की हरकतें करते हैं, लोगों को कितना एंटरटेन करते हैं, लोगों को कितना आकर्षित करते हैं। इसके साथ वो काम भी थोड़ा ज्यादा करें तो और अच्छा होगा। क्या लगता है आपको प्रद्युम्न सिंह तोमर के बारे में? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि इन तमाम नतीजों के आने के बाद कांग्रेस पार्टी के जब बड़े नेता बैठेंगे तो उनको जरूर चर्चा करना चाहिए कि आखिर किस आधार पर उन्होंने टिकट का वितरण किया, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसे बड़े कद्दावर नेता के सामने सुनील शर्मा को उतारना, मुझे लगा कि कांग्रेस ने बहुत ही गलत फैसला लिया था और उसी का नतीजा है कि प्रद्युम्न सिंह तोमर आज चुनाव जीते हैं और सुनील शर्मा को करारी शिकस्त मिली, उन्हें मात खानी पड़ी। कांग्रेस ने कहा था कि हम सर्वे के आधार पर टिकट बांट रहे हैं। अगर सर्वे के आधार पर टिकट बांटे गए हैं तो यकीनन कांग्रेस की जो सर्वे थी वो गलत थे, और ये कहा गया कि कई जगह पर दिग्विजय सिंह के कारण टिकट दिए गए, तो भी कुल मिला के जो हार रहे हैं तो बहुत सारे मीन में निकाले जा सकते हैं। लेकिन सुनील शर्मा जो कांग्रेस का चयन है वो ठीक नहीं था। आप देखें कि प्रद्युम्न सिंह तोमर को 93,309 वोट मिले हैं, वहीं सुनील शर्मा कांग्रेस के हैं, इनको 76,491 वोट मिले हैं, तो वोटों का अंतर भी पर्याप्त है। लेकिन ये जो जीत हार है ये बीजेपी के लिए बहुत ताकत दे रही है, बीजेपी को शक्ति दे रही है और इतना जोरदार प्रचंड बहुमत बीजेपी को दिया है कि उसमें तमाम सारे लोग जीत गए हैं। इसमें बीजेपी की जो लोग इस प्रचंड आंधी में, जो मोदी की लहर चली है, इसमें लाडली बहना के साथ जो मोदी का वेग था, मोदी की प्रचंड लहर थी, उसमें लोगों का जीतना बहुत आम और आसान है। लेकिन जो लोग इसमें हार गए उस पर बीजेपी को भी मंथन मनन और चिंतन करना पड़ेगा। इस सब पर हम चर्चाएं जारी रखेंगे। आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें दखल के न्यूज चैनल को, और दखल देखते रहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।